बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका, कैसे हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं ड्रम स्टिक्स। सबसे पहले आप लेग पीस ले लें, ठीक है। इस पे इस तरह करके ना आप कट से लगा लें, इस तरह करके, ये देखें ऐसे कट लगाने के बाद इसको आप पैन में डालें। अब हमने इसमें प्याज, लाल मिर्च, हल्दी, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च, ये सब हमने पैन में डाल देना है। साथ ही आप इसमें 2 चम्मच सोया सॉस, चिली सॉस और विनीगर डाल दें। और आपने इतना डालना है कि यानी कि आपका जो चिकन है ना लेग पीस वो आपके गल जाए। साथ में थोड़ा सा पानी ऐड कर दें। साथ ही आप इसमें 1 कप पानी ऐड कर लें। बस आपने इतना पानी ऐड करना है कि आपकी ये जो ड्रम स्टिक्स हैं ये ज़रा से डिप हो जाए। और उसके बाद और इसी पानी में आपने इसको अच्छी तरह से पका लेना है। जब ये अच्छी तरह से पक जाए तो फिर आप इसको निकाल लीजिएगा, सारा मसाला खुश्क हो जाए। ये बहुत अच्छी रेसिपी है और बहुत मज़ेदार बनती है। जब इसका वेट हिलना शुरू हो जाए तो कुकर को आप बंद कर दें और वेट इसका उठा लें। ज़्यादा देर आपने नहीं करना है क्योंकि ये ना हो कि जो लेग पीस हैं उनसे चिकन अलहदा हो जाए। ये देखें इस तरह है, मैंने इसको खोल लिया। अब ये जो इसका पानी है इसको खुश्क कर लें। जब ये खुश्क हो जाए तो फिर आप इनको निकाल लें। ज़्यादा आपने चम्मच नहीं हिलाना। इसको मैंने बाहर निकाल लिया, मसाला अच्छी तरह से इनको लग चुका है। लेग पीसेस को ये अच्छी तरह से इसको लग चुका है। अब हम इसको वन बाय वन इसको पहले ब्रेड क्रम्स में, फिर एग में, फिर ब्रेड क्रम्स में डाल के इसको फ्राई करेंगे। लेग पीस हमने बॉयल करके वो निकाल लिए। अब हमने ब्रेड क्रम्स बनाने हैं। ब्रेड लेके उसके छोटे छोटे पीसेस कर लें और इसको अच्छी तरह से ब्लेंडर में डाल के तो इसके क्रम्स बना लें। इसको ये हमारे ब्रेड क्रम्स तैयार हैं। ये ब्रेड क्रम्स हमने बना लिए। अब एक अंडा करेंगे, इसको अच्छी तरह से फेंट लें, अच्छी तरह से इसको फेंट लें। इसमें हल्का सा नमक और काली मिर्च डाल दें और मिक्स कर लें। नमक और काली मिर्च डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अंडे को अच्छी तरह से फेंट के इस मिक्सचर में डाल दें और इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह से। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि हर लेग पीस पे अच्छी तरह से अंडा लग जाए। बाद में इसको ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करके फ्राई करें। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब इसकी ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे। अच्छी तरह से इसकी कोटिंग कर लें। ये अच्छी तरह से इसके सारा ब्रेड क्रम्स लग चुका है, इसकी कोटिंग कर लें और इसी तरह बाकी सब की कोटिंग करके बाद में इसको फ्राई करें। एक कढ़ाई में ऑयल ले लें और इसको गर्म कर लें। अब इसमें वन बाय वन डाल दें।